हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। हम देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपके पास दिया गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास कुछ फिगर्स दी गई हैं, उसमें कहा गया एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें सिंगल वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर आपको डबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज यूज की है वो की है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल गिवन है 120 डिग्री का। तो हमने देखा कि 120 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसा हमने क्यों कहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। आपसे कहा गया एक्सटीरियर एंगल आपके पास 120 डिग्री का गिवन है, आप एक्सटीरियर एंगल आपके इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। तो हमने कहा कि हमें वाई की तो यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम एक्स प्लस 50 को ऐड करके 120 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं 120 माइनस 50 डिग्री। आप देखेंगे 50 डिग्री यहां पर प्लस की वैल्यू है, जब साइड चेंज करके लाए तो माइनस की हो गई है। तो इट मींस ये 50 माइनस करेंगे 120 में से तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर आप x की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड की है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना, क्योंकि यहां पर एक्सटीरियर एंगल गिवन है। जहां पर एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है तो आपको समझना चाहिए, आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। अब आपके पास x की वैल्यू 70 डिग्री आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने बताया था किसी ट्राइंगल्स के टू एंगल अगर आपके पास आ जाते हैं और थर्ड एंगल आपको फाइंड करना हो तो आपको फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे फिर दोबारा से इन ट्राइंगल, हम देखेंगे यहां पर आपस x है, y है और 50 डिग्री है, तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छी डिस्कस कर चुका हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें से ट्राइंगल जो दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री। तो फिर आप क्या करेंगे, 70 और 50 को आप ऐड कर देंगे, 70 और 50 हो जाता है 120, 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 120 जो है वैल्यू प्लस की थी, आप जब साइड चेंज करके लेके गए हैं तो ये माइनस की हो गई है। तो इट मींस y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके दोनों आंसर आ गए हैं, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई। जो आपका आंसर होता है उसे आपको बॉक्स में रखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं, x इज इक्वल टू 70 एंड y इज इक्वल टू 60। अब आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास ये फिगर गिवन है, यहां पर भी x और y आपको वैल्यू को फाइंड करना है। आपके पास एक इंटीरियर एंगल दिया गया है 50 डिग्री का और एक आपके पास एक बाहर एंगल दिया गया है ट्राइंगल के बाहर, ये है 80 डिग्री का। तो आपने देखा सबसे पहले हम जब ट्राइंगल में देखते हैं आप y की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जिसमें आपको ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स के बारे में बताया गया था। आपको पता चल गया होगा जब टू एंगल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जो ये एंगल्स बनते हैं ये एंगल किस तरह के होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री, अब आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर आप देखते हैं इस ट्राइंगल में आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन ट्राइंगल, और प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आपके पास किसी भी ट्राइंगल में टू एंगल अगर आ जाते हैं तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए, एक्स प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एएसपी।
और x की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन y की वैल्यू पता है आपको। y की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। और आपने 50 के नीचे 50 लिया है। देखिए x की वैल्यू आपको नहीं पता, तो x के प्लेस पे आपने x रखा है। y की वैल्यू 80 डिग्री आपने पहले ही फाइंड कर लिया, तो y के प्लेस पर आपने 80 डिग्री पुट कर दिया है, 50 के नीचे 50 डिग्री रख दिया है। तो यहां पर हमने इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया 80 और 50, तो आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। अब आप देखेंगे आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 180 माइनस 130, जब 130 को साइड चेंज करके ले जाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है और ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। आपके पास ये फिगर दी गई है और फिगर से आप बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे। आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो x एंगल है वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल इट मीन ये एक्सटीरियर एंगल है। और बहुत ही क्लियर आपने कहा कि फ्रॉम द फिगर, आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, बिकॉज यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से आप देखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए। इट मीन बहुत ही इजीली आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये 50 एंड 60 का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। तो आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फास्ट आ गया है, और अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। अब देखते हैं आपके पास किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स आपको पता है लेकिन थर्ड एंगल आपको नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, फिर आप देखेंगे इन द ट्राइंगल, आप ट्राइंगल में ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप देखेंगे y प्लस 50 एंड 60 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो y की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, 180 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 110 को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि जब आपको 110 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 डिग्री। तो ये दोनों ही आपके पास इसके आंसर होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप किसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का यूज करने के साथ साथ आपको वहां पर मेंशन भी करना होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने की थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां पर की एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको आप शॉर्ट में ASP लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में आपके पास ये फिगर दी गई है, आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि आप यहां लिखेंगे फ्रॉम द फिगर। जब फिगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये x की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। देखिए यहां पर हमें y की वैल्यू को भी फाइंड करना है, x की वैल्यू को भी फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले कौन सी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा यहां पर x की वैल्यू बहुत ही क्लियरली हमें पता चल रही है 60 के इक्वल होनी चाहिए, और आप सबको ये प्रॉपर्टी का भी यूज पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, x को आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी का नाम होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस बनाती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, और दूसरी प्रॉपर्टी मैं तो आपको बार बार ये बता रहा हूं कि जब किसी ट्राइंगल के टोटल ट्राइंगल्स में तीन एंगल होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, और आपको किसी भी टू एंगल्स के बारे में पता चल जाए, तो यहां पर हमें एक्स के बारे में पता चल जाए 60 डिग्री का है, तो ये भी पता चल गया 30 है, ये भी 60 का है। अब वाई के बारे में देखना है वाई कितने का होना चाहिए, हमने कहा ऑल एंगल्स का सम तो 180 होता है, टू एंगल्स हमें पता है तो थर्ड निकाल सकते हैं। हमने यहां पर कहा इन ट्राइंगल 30 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी।
और एंगल सम प्रॉपर्टी में किसी भी ट्राइंगल्स में ऑल एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो आप 30 के नीचे 30 रखेंगे, x के प्लेस पर आपको 60 रखना है, y के प्लेस पर y रखना है, और जब आप इनका सम करेंगे 30 एंड 60 का तो आएगा 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। और आपको ये भी पता है कि जब आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है तो 90 को आप साइड चेंज करके ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है, ये दोनों ही इसके आंसर है। मैंने आपको बताया जब x और y की वैल्यू को आपको फाइंड करते हैं तो उसको बॉक्स में लगा दीजिए, जो आपको बहुत ही क्लियरली पता चलेगा कि ये आंसर है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट। अभी तक आपने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, और फिर इसके बाद हम देखेंगे यही सिक्स पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट भी है। तो यहां पर भी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो पता चल रहा है यहां पर भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है। जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती है वहां पर ये एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि अब ये बहुत बार आ चुका है। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, हम इस फिगर से देख रहे हैं कि हमारे पास वाई की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो रही है और वाई की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने बताया था किसी भी ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहां पर आपको क्या लगाना है, इन ट्राइंगल आपको यहां पर ए एस पी रूल लगाना है। आप कहेंगे ए एस पी रूल कैसे लग जाएगा, क्योंकि वन एंगल हमें पता चला है, वन एंगल वाई हमें पता चला है 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन एक्स दो एंगल हमें नहीं पता। लेकिन आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, ये जो भी एंगल्स होंगे एक्स की वैल्यू जो भी हम फाइंड करने जा रहे हैं उन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ये भी एक्स के इक्वल है, ये भी एक्स के इक्वल है। तो आप देखिए हम इसमें अगर ए एस पी अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है ए एस पी, ए एस पी इट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका मतलब है कि सभी एंगल्स का सम 180 होता है किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर। अब x और x कितना होता है 2x, y की वैल्यू कितनी आई है 90, तो आपने रखा है 2x plus 90 is equal to 180। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 180 minus 90, आपको 90 को साइड चेंज करके ले जाना पड़ेगा, तो 90 क्योंकि प्लस का है यहां जाकर के माइनस का हो जाएगा और 2x की वैल्यू आ जाएगी 90, क्योंकि 180 में से 90 माइनस होता है आता है 90। तो x की वैल्यू को फाइंड करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको 2 से डिवाइड, 2 इसमें 2 क्योंकि मल्टीप्लायर में है, जब आप साइड चेंज करके ले जाएंगे वो डिवाइड में चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा तो आपके पास 2 4 8 एंड 2 5 10, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो आपके पास यहां पर इस ट्राइंगल के ऑल एंगल्स फाइंड हो सकते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए इसे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा गया सबसे पहले x और y दोनों की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो हमने कहा y तो बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट है, तो y आपने 90 डिग्री फाइंड कर लिया। उसके बाद सेकंड जब आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की तो x और x की वैल्यू को ऐड किया तो 2x आ गया, 2x plus 90 is equal to 180, 90 को आप साइड चेंज करके ले गए फिर 90 आ गया। अब 2x की वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, आप इस 2 को कहां ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके दो आंसर है, x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू 90 डिग्री है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट में भी हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर एक फिगर जो दी गई है उसमें भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। आप देखिए आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, यहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जहां होती है वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कई बार हो चुका है, पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, तो यहां पर हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, वही सेम प्रॉपर्टीज बार बार यूज हो रही है। तो आपको देखना है यहां पर y इज इक्वल टू, हम कहेंगे फ्रॉम द फिगर, यहां पर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू y, लेकिन आप ये कहेंगे कि यहां पर x की वैल्यू तो y के इक्वल हो गई क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, लेकिन बाकी एंगल्स हमें नहीं पता, ना तो हमें और कोई वैल्यू पता है, x यहां पर आउटसाइड में दिया हुआ, यहां पर भी आउटसाइड में दिया हुआ है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इसमें आपके पास इंटीरियर एंगल केवल y गिवन है और सारे ट्राइंगल के बाहर है, तो आपको क्या करना है, इस एंगल को 1 रख लेना है,
इस एंगल को 2 रख लीजिए। अब इस एंगल का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, 1-2 दे सकते हैं आप, ए भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर इनका जो नाम रखा है वो रखा है एंगल 1 और एंगल 2। अगर हम एंगल 1 को देखें तो यहां पर एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और एंगल 2 को देखें तो एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहां पर हमने देखा कि यहां पर लाइंस कितनी इंटरसेक्टिंग है, 1 लाइन इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन इंटरसेक्टिंग और 3 लाइन इंटरसेक्टिंग। जहां पर लाइन हमें इंटरसेक्टिंग दिखाई देती है वहां पर हमारे पास दूसरी कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं होता सिवाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो यहां पर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की यूज कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। वाई एक्स के इक्वल हमने किया, 1 को भी एक्स के इक्वल किया, 2 को भी एक्स के इक्वल किया। अब हम ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एंगल y की वैल्यू किसके इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। तो आपने देखा तीनों एंगल, चाहे वो एंगल 1 हो वो भी x के इक्वल, 2 भी x के इक्वल, y भी x के इक्वल, x x x ये कितना हो गया 3x, और 3x अगर 180 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180 अपॉन 3, और 3 को आप जब काटेंगे इससे 180 को कट करेंगे 3 से तो आप देखेंगे 3 6 18 और ये आपके पास आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। जब x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई तो x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू भी आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू इक्वल है, ये हम पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं। तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन के आंसर है। यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।